सबसे पहले किसने शुरू किया था श्रावण माह में व प्रत्येक सोमवार को व्रत रखना? हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन महीने को विशेषकर देवों के देव महादेव भगवान शंकर का महीना माना जाता है। इस माह में भगवान शंकर अपनी तपस्या में लीन थे। श्रावण सोमवार या श्रावण माह अथवा सोमवार के व्रत के संबंध में पुराणों में बहुत कुछ मिलता है। यह दो कथाएं संक्षिप्त में आपको प्रस्तुत करते हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने अपने आराध्य देव शिव की इसी माह नियमित पूजन करके कावड़ में गंगा जल भरकर वे शिव मंदिर ले गए थे और उन्होंने वह जल शिवलिंग पर अर्पित किया था। अर्थात कावड़ की परंपरा चलाने वाले भगवान परशुराम की पूजा भी श्रावण मास में की जाती है। भगवान परशुराम श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को कावड़ में जल लेकर शिव की पूजा अर्चना करते थे। शिव को श्रावण का सोमवार विशेष रूप से प्रिय है। श्रावण में भगवान आशुतोष का गंगा जल व पंचामृत से अभिषेक करने से शीतलता मिलती है। कहते हैं कि भगवान परशुराम के कारण ही श्रावण मास में व सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन प्रारंभ हुआ। वहीं दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार जब सनत कुमारों ने महादेव से उन्हें सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा तो महादेव भगवान शिव ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग किया था उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवावस्था के सावन महीने में सोमवार को निराहार रहकर कठोर व्रत किया और उन्हें प्रसन्न कर विवाह किया, जिसके बाद से ही महादेव के लिए यह सावन माह व सोमवार विशेष हो गया।